सो हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, स्वागत है वापस आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी इंडियन रिएक्शन में। और दोस्तों, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक सॉन्ग के ऊपर, और ये है पंजाबी सॉन्ग 2020, जिसे गाया है सरमद कादिर ने, और सॉन्ग का नाम है शायर। और इस सॉन्ग में हमें नज़र आने वाली हैं टिकटॉक सेंसेशन, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिनकी टिकटॉक वीडियोज़ लोग काफ़ी देखते हैं, और वो है जन्नत मिर्जा जी, जिन जो कि सॉन्ग में नज़र आने वाली है। और उसके ऑपोजिट हमें नज़र आने वाले हैं एक्टर अली जोस। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से पहले इस सॉन्ग को देखते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई आप लोगों के लिए नई वीडियो लाऊँ, आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों, पहले जल्दी से इस सॉन्ग को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ, भाई मुझे वो किताब देना जिस पर शायर लिखा है। ये किताब तो बिक चुका है, वो सब किसी भी वक्त आता होगा। मुझे तो वही किताब चाहिए थी। काफी क्यूट लग रही है। वाओ, कुछ किताबें इतनी खूबसूरत होती हैं अली जोस। जिन्हें देखते ही उन्हें अपने दिल की शेल्फ में रखने को जी मचलने लगता है। जी वो ये किताब आप ही रख लीजिए। इस किताब के शब्द बहुत खूबसूरत हैं, आपकी तरह। जी और डैम इट, फिर भूल गया। और मेरी लाइन की सी यार, स्क्रिप्ट की तरह यार। ओह यार, ये डायलॉग बहुत भूलता है, इसे बस बैकअप करवा दो। जी सर। एक्टिंग तो तुम भी बड़ी अच्छी कर लेते हो, मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी है, कभी इसे भी करके देखो। थैंक यू सो मच सर, ट्राई करो कभी। सर कभी मुझे भी मौका देना। हाँ हाँ जरूर जी सर, जरूर। तुम बस पैकअप करवा दो। वाओ, काफी ब्यूटीफुल लग रही है शायर। सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिणदा रहंदा तारे। असी तारे गिनण दे नी, हुण माहिर हो गए च लिख लिख के। असी शायर हो गए, असी तारे गिनण देनी, हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के। असी शायर हो गए। वाह, काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वाओ,
उनका ऑटो आ गया सायर। सो फ्रेंड, काफ़ी क्यूट वीडियो है, काफ़ी बढ़िया लगा वीडियो देखकर। और हमें नज़र आए इस वीडियो में जिन्नत मिर्जा, जो कि टिकटॉक सेंसेशन है और लोग उनकी वीडियो काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है वो वीडियो में, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। और जिस तरीके से इस सॉन्ग का नाम रखा गया सायर, और जो स्टार्टिंग होती है सॉन्ग की, जब उनकी एंट्री होती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं वो। और जिस तरीके से इस सॉन्ग को एक स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक डायरेक्टर है, और डायरेक्टर के साथ एक काम करने वाला लड़का है जिसे एक्टिंग भी आती है लेकिन वो वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाया है। तो किस तरीके से वो उस हीरोइन को देखता है, उस एक्ट्रेस को देखता है, और फिर सोचता है कि काश वो भी उनके सामने खड़ा हो एज ए एक्टर की तरह, और किस तरीके से उन्हें लास्ट में वो मौका मिलता है और वो उस मौके को नहीं गंवाता, और किस तरीके से वो लास्ट में उस अपनी बेहतरीन एक्टिंग उस एक्ट्रेस के साथ देता है, और काफ़ी बढ़िया लगता है। और लास्ट में जब उनकी फ़ोटो आती है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोरी थी और सॉन्ग मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से गाया है सरमद कादिर ने, और जिन्होंने इस सॉन्ग के लिरिक्स भी लिखे हैं, और इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है बिलाल साहिद ने, जो कि काफ़ी बढ़िया सिंगर भी हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये वीडियो, काफ़ी ब्यूटीफुल वीडियो है। और ये जिन्नत मिर्जा जी की फर्स्ट सॉन्ग वीडियो थी, तो और भी उनकी वीडियो आए तो और भी मैं उनकी वीडियोस को देखूंगा जब उनकी कोई और नई वीडियो आएगी। तो कमाल का वीडियो, अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग देखा है तो कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको ये सॉन्ग कितना ज़्यादा पसंद आया, और मेरा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा इस सॉन्ग के ऊपर वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई आप लोगों के लिए नई वीडियो लाऊं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।